सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल जिन्होंने 2022 में CUET एंट्रेंस एग्जाम दिया था, चाहे UG कोर्स के लिए दिया, BA, BCOM, BSc या PG कोर्स के किसी भी कोर्स के लिए दिया है, और अब वो अपना रिजल्ट वेट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा और किस तरीके से हमने एडमिशन लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको लाइव डेमो के साथ बताऊंगी, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देंगी आपको, जो कि BPEd का कोर्स जिन बच्चों ने करना है HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, MPEd का कोर्स, तो उनके लिए ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो गए। तो उसी प्रकार से जिन भी बच्चों का CUET, UG या PG कोर्स के लिए कर रहे हैं HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, उन्होंने किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस में जाना है, ठीक है, रिजल्ट स्कोर कोर्ट कार्ड के आने के बाद। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इस वीडियो को बनाने से पहले भी मैंने यूनिवर्सिटी में सर लोगों से फ़ोन करके चेक किया और पूछा, तो सर लोगों ने ये बोला है कि मैम, सारे बच्चों को ये बोल दीजिए कि जैसे ही उनका स्कोर कार्ड आता है, हर बच्चे को इंडिविजुअली जो HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसे चेक करते रहना है, उसे विजिट करते रहना है। क्यों करना है? उन्होंने कहा है कि एडमिशन से रिलेटेड जितना भी प्रोसेस और सूचना होगी वो वेबसाइट पे आएगी। तो सबसे पहले तो बच्चों, आप जो वेबसाइट है उसे नोट कर लीजिए, HNBGU.ac.in, ठीक है, इस वेबसाइट को आपको विजिट करना है। दूसरा, सर ने बोला है कि सबसे पहली चीज़ जो वेबसाइट पे आएगी वो आएगा आपका एडमिशन फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म भरा जाएगा, एडमिशन फॉर्म। तो जब आप एडमिशन फॉर्म करेंगे तो उसी में शायद आपको स्कोर कार्ड भी डालने होंगे, तो जैसे आप स्कोर कार्ड डालेंगे उसी के हिसाब से आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो काउंसलिंग में जब भी आपको बुलाया जाएगा, देखिए काउंसलिंग क्यों बुलाया जाएगा, यही इसीलिए बुलाया जाएगा कि जो भी चीज़ें आपने अपनी एप्लीकेशन में डाली है उसको वेरीफाई करने के लिए काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। तो अगर आपने जैसे UG कोर्स में लिया, आपने 10th 12th डाला होगा, तो जो आपके 10th 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट है उनको वहाँ पर चेक किए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे उस समय आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, लेकिन जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और हार्ड कॉपी अपने साथ लेके जानी है, फोटोकॉपी वहां पे सबमिट करनी है और हार्ड कॉपी उस समय वेरीफाई वो करेंगे, ठीक है, ये चीज आपको करनी है। इसके साथ साथ अपना ओरिजिनल जो आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड इत्यादि, वो सब आपको लेके जाने। इसके अतिरिक्त जिन बच्चों ने कोई भी जैसे रिजर्वेशन के बेसिस पे वो एडमिशन लेंगे, तो उन बच्चों को ये कहा है सर लोगों ने कि वो भी अपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखें, ठीक है। तो हो सकता है, अभी वो ये नहीं कह रहे कि ऐसा ही होगा, हो सकता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जब फॉर्म होंगे तो तब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा सकता है, अगर नहीं भी होगा तो काउंसलिंग के टाइम पे तो सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट लेके जाने ही जाने, ठीक है। तो ये बात उन्होंने कही है। तो दो बात क्लियर हो गई है, पहली बात वेबसाइट विजिट करनी है, दूसरी बात कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और तीसरी बात कि काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट लेके जाने। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है और कहाँ जाके भरना है। देखिए, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपने सारे कॉलम जो है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है सब छोड़ देना, सीधे आ जाना आप एडमिशन पे। तो जब आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे, आपने जाना है एडमिशन फॉर्म पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है, देखिए यहाँ पे मैं जैसे कि आपको बताने जा रही हूँ कि BPEd और फिजिकल फिटनेस का जो है वो कैसे करना है। तो देखिए, ये लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फिजिकल फिटनेस के लिए, जो जो इस बार कोर्स लेंगे HNVE में, और BPEd हो गया और MPEd, ठीक है। तो ये उन्होंने 8 तारीख को डाल दिया था, और अब इसके जो लास्ट डेट है वो है 17 सितंबर तक, ठीक है। तो देखिए, ये है बच्चों वो आपका फॉर्म। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का आपका कॉलम दिखेगा, एक आएगा आपका रजिस्ट्रेशन यूजर लॉगिन, यानी कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो भाई अभी तो आपने नहीं किया ना, क्योंकि आप तो पहली बार एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे जो क्लिक है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल जो फॉर्म है वो निकल के आ जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप बच्चों आपको कोई भी दिक्कत होती है अपने फॉर्म से लेकर या अपने कोर्स से लेकर, तो ये इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है, मोबाइल नंबर, इस नंबर पर मैंने खुद भी बात किया, तो आप ये कर सकते हैं। तो ये जो फोन नंबर है केवल BPEd और MPEd के बच्चों के लिए, CUET, UG और PG के बच्चों के लिए दूसरा फोन नंबर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपने करना है, वेबसाइट को विजिट करना है, एडमिशन में जाना है और न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जब न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो पूरा भर किया जाएगा। तो कुछ बच्चे मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर दे सकते हैं, क्योंकि मैं देख लूंगी कि कैसे भरे जा रहा है, इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो बच्चों बस यही थी जानकारी कि कैसे आपने अपना आगे का एडमिशन का प्रोसेस करना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद भी अगर कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लिखा है ना, रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पासवर्ड, ये तभी आएगा जब आपका न्यू रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो करना है वो करना है आपको रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद